नमस्कार, आप देख रहे हैं आर भट्ट न्यूज। खबर मुंगेर से है। मुंगेर से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां समाज सेवी कृतिका सिंह ने फिल्म निर्माता निर्देशक एकता कपूर एवं एनगोस पर मुंगेर व्यवहार न्यायालय के मुख्य दंडाधिकारी के समक्ष परिवाद पत्र दाखिल किया है। बता दें कि राष्ट्रीय क्षत्रिय महासभा की राष्ट्रीय प्रवक्ता कृतिका सिंह ने एकता एवं एनगोस पर ट्रिपल एक्स वेब सीरीज में फौजी की पत्नी के लिए आपत्तिजनक दृश्य दिखाने को लेकर एकता कपूर एवं एनगोस के खिलाफ याचिका दायर करवाई है। साइन वाइन पढ़िए, देखिए। उन्होंने हमारे भारतीय सैनिक पे वेब सीरीज बनाया है, जो हमारे भारतीय सैनिक हमारे देश की शान है, उनकी ये घटिया वेब सीरीज बनाया है, उस पर मैंने केस किया है। ऐसे दो कौड़ी के जो एक्ट्रेस हैं, प्रोड्यूसर हैं, इन पे तो मतलब ज़रूरी है कार्रवाई करना। इसलिए मैंने एकता कपूर पे FIR दर्ज करवाया है और मैं भारत सरकार से निवेदन करती हूँ कि हमारे एक्टर दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत पे CBI जाँच के लिए मांग करती हूँ। मेरा श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय महासभा की राष्ट्रीय प्रवक्ता कृतिका सिंह और सपाक्स पार्टी की बिहार प्रदेश प्रवक्ता। मैं अधिवक्ता हूँ, मैं कृतिका सिंह की का वकील हूँ और उन्होंने ही मुझे इस बात की जानकारी दी कि अफसर सिंह मेरे पास कंप्लेन लेके आई, फिर मैं इन्हें परिवार पत्र में जो है कोर्ट में जो है इन्हें दाखिल कर रहा हूँ। इसमें जो है इसके अंतर्गत आया हुआ जो भी एक्ट है वो है 66 IT एक्ट और 499 और 500। किस पर ये कर रही है? ये वादी कौन है? वादी आपकी वादी कृतिका सिंह जी और अभियुक्त में जो है उनका नाम है क्या कहते हैं एकता कपूर और इसमें आपके एकता कपूर और डायरेक्टर उनके द्वारा भी साथ में दोनों मिलकर जो है क्या शिकायत इन्होंने क्या इनमें जो है XXX नाम का जो है कॉमेडी मतलब वेब सीरीज सोशल वेब सीरीज पे जो है बनाई थी, तो उसमें जो है कुछ ऐसा भारतीय थल सेना के खिलाफ जो है मतलब उसमें दर्शाया गया, उनके द्वारा जो है ये बयान दिया गया है कि आपत्तिजनक बयान दिया गया है, तो इसमें जो है संपूर्ण भारतवर्ष की महिला का जो है इसमें अपमान हुआ है, इसके लिए जो है उनको कठोर से कठोर सेना का भी अपमान हुआ है। कौन कौन से धाराएं में ये 66 IT एक्ट और 499 और क्या कहते हैं 500 क्या है वो एक्ट क्या है वो? ये मानहानि का दावा है और अपमान का जो है अपमानित होने के लिए जो है जिससे कि संपूर्ण नारी का जो है अपमानित हुए उसके लिए जो इन पर धारा जो है लागू हुआ। अगर ये धारा प्रूफ हो तो उन्हें संबंध जाएगी, उसके बाद फिर उनको यहाँ आना पड़ेगा।